नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। तो कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। लेकिन दोस्तों, हमारे यहाँ मौसम बिल्कुल सही नहीं है। शाम होते ही मौसम एकदम ख़राब हो गई थी और एकदम सारे कपड़े वगैरह बाहर रखे थे, गाय के लिए हरियाई बाहर रखी हुई थी और एकदम से काला बादल छा गया। धूप था लेकिन पता नहीं अचानक से क्या हो गया मौसम को और बिल्कुल ही अंधेरा सा छा गया धूप जाते ही। तो मैं सारे यहाँ पे कपड़े वगैरह झाड़ू हटा रही हूँ। झाड़ू बाहर रखी रहती है ना तो गीली हो जाती है और फिर ख़राब हो जाती है। और आग जलाने के लिए, खाना पीना बनाने के लिए कंडे लकड़ियाँ भी जो सूखे हैं वो अंदर कर दूंगी। अगर बारिश ज़्यादा हो जाएगी तो गीली हो जाएंगी और फिर दिक्कत होगी। तो इसलिए सारे सामान मैं ना जल्दी जल्दी अंदर कर रही थी। और हवा बहुत तेज़ चल रही थी ना तो थोड़ा सा डर सा भी। अभी हवा नहीं चल रही है लेकिन हवा चलने लगी थी फिर, और बहुत तेज़ तेज़ हवा चल रही थी, डर लग रही थी। और उस तरफ आसमान थोड़ा सा लाल हो रखा है। यहाँ पे मैं कंडे उठा रही हूँ जलाने के लिए। कुछ टूटे टूटे कंडे थे, सूख गए थे वो, तो उसे उठा ले रही। पेड़ के पीछे और इस वाले पेड़ के पीछे मम्मी समेट रही है कंडे, और उधर पे काजल अंदर जाने के लिए कर रही है बहुत। वो तो फिर पापा नहीं आया बिहार से, बादल थोड़ी देर में आ रहे हैं दोस्तों। फिर जोर की हवा चल रही है कि टटुआ भी गिर गया। धर गया दोस्तों टटुआ। और दोस्तों, थोड़ा जंगल टाइप का एरिया यहाँ पे लगता है इसलिए और ज़्यादा ही डर लग रहा था मुझे भी और रास्ता को भी। फिर एक चाची जी आ गई थी यहाँ पे अपना हरियाई का कतराई करवाने, तो फिर थोड़ा सा सही लगने लगा था कि चलो कोई तो आ गया है। तो देख ही पा रहे होंगे दोस्तों, रात का समय है जो कि हमारे यहाँ हो रही है बारिश। आज मौसम जो कि हालांकि में बहुत ज़्यादा ख़राब है। आस्था, तो बारिश हो रही है? हाँ, कंडे तो हमारे ये सारे भीग ही रहे हैं। चलो चलो, छतरी अंदर करो। चलिए अंदर क्या हो रहा है हम आपको दिखा रहे हैं। चलो जल्दी भीग जाए। ये यहाँ पे बन रहा है खाना, बाहर हो रही है बारिश, यहाँ पे बन रहा है खाना, रोटी बन रही है, सब्जी बन के तैयार हो चुकी है वो जो कि कढ़ाई पे दिख रही है। तो दोस्तों, अब हो गया था सुबह और बहुत सारे काम करने के बाद आस्था के पापा हार से आ गए हैं। उसके बाद हम काम कर रहे हैं जो भी हमारे घर का है। तो सबसे पहले गाय के लिए हरियाई आस्था के पापा कतर रहे हैं, तो खुशबू हरियाई को खुश आएगी उसमें और आस्था के पापा काटेंगे। लगा
देती है। थोड़ी पेरन का सांस मिल जाए अब। और दोस्तों मैं भी सानी वगैरह बनाना सीख रही हूँ, तो यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ सानी गाय के लिए, और इसमें पानी मिला दिया है, नीचे वही वाली हरियाली है जो आपके पापा ने काटी थी, और भूसा मिला दिया है। अब इन सब चीजों को अच्छे से मिला लेते हैं। तो आज से मैंने भी अब ये सभी काम करने स्टार्ट कर दिए हैं, और जितना जल्दी होगा उतनी जल्दी सीखने की कोशिश करूंगी, ताकि आस्था के पापा को ये सभी काम ना करने पड़े और मैं ही ये सारे काम निपटा दिया करूँ। कम पड़ेगा फिर भोंक लेंगे, बढ़िया लीप देंगे। देख इधर डालती इधर, ठीक। तो दोस्तों यहाँ पे लिपाई इसलिए हो रही है क्योंकि खेतों से कल के दिन आएगी धनिया, तो धनिया यहाँ पे सूखने के लिए डलेगी, तो इसलिए यहाँ पे साफ करते रहे ताकि धनियों में बाद में कंकड़ ना मिल जाए, और साफ करके धनिया यहीं पे लगा के रख देंगे। उतना सारा गोबर उतने में वहां कौन भर देंगे। तो दोस्तों अब ये कमरा जैसे जैसे लिपटा जा रहा है ना, कितना सुंदर लगने लगा है, और जैसे जैसे ये पूरा घर बन जाएगा, पूरे घर में लिपाई होगी, तो पूरा ही घर एकदम से जगमगा उठेगा। अभी तो बेशक कूड़ा कवाड़ा सा है, पूरे में भूसा गोबर वगैरह ये सब है, लेकिन सब कुछ धीरे धीरे हो पाएगा। यहाँ पे भी जहाँ पे अभी मैं गोबर से लीप रही हूँ ना, यहाँ पे भी बहुत ही ज़्यादा खराब था, बहुत ही ज़्यादा एकदम कचड़ा ही कचड़ा था, तो ये है कि सफाई करते करते बहुत ही ज़्यादा साफ हो गया है, और आज बस गोबर फेर दिया है तो इतने में ही एकदम चमक गया है यहाँ पे, और बस अब झाड़ू लगा दिया करेंगे यहाँ पे तो साफ सुथरा बना रहेगा।
तो दोस्तों देखिए इस पूरे ही कमरे में लिपाई हो गई है। धनिया रखनी थी क्योंकि और धनिया में कंकड़ हो जाते अगर ऐसे ही रखते तो, इसलिए यहाँ पे हमने ऐसे पूरी सफाई कर दी है, एकदम साफ़ सुथरा कर दिया। आज पूरे दिन में ये सूख जाएगा, कल तो वैसे रात में बारिश भी हो गई थी तो थोड़ा और गीला हो गया है, लेकिन आज भर में टाइम देंगे सूखने का, कल से धनिया रखना चालू हो जाएगी। तो यहाँ पहले गैया बंधती थी इसलिए ये लगा हुआ है, तो इसे हमने हटाया नहीं है अभी। तो दोस्तों ये देखिए हमारा कंडों का बटिया तैयार हो रहा है और आस्था के पापा कंडे सारे लगा रहे हैं। तो ये बटिया लगाना भी थोड़ा मुश्किल होता है, हर किसी से नहीं लग पाता है, गोल गोल घुमा के और इसके ऊपर पहाड़ जैसा बनेगा। कंडे यहाँ पे जल्दी सूख भी जाएंगे और बारिश होगा तो ढक भी सकते हैं इसे। गोबर भी थोप देते हैं ताकि गीला ना हो। कल दोस्तों अलमारी को छापनी है और जो छपाई करनी है ना मिट्टी से, उसके लिए ये मिट्टी तैयार करी जा रही है। वैसे तो ये गीली थी लेकिन रखे रखे सूख गई थी। और दोस्तों ये मिट्टी काफ़ी दिनों से भी यहाँ रखी हुई थी तो हमने कहा चलो इसे अब लगा ही देते हैं। तो आज फिर से इसे गीला कर दे रहे हैं, पानी डाल दे रहे हैं और इसे मतलब जो भी ये एकदम ढीमे ढीमे से बन गए हैं तो इन सबको फोड़ के और एक मतलब इसे बिल्कुल नरम बनाया जाएगा, जब जाके ये बिल्कुल प्लेन सी छपेगी वहाँ पे, मतलब बिल्कुल एक बराबर। गुलटी गुलटी एक है, मरी की कुल गुलटी है। तसले में भर के और पानी डाल के छोड़ते ना। दोस्तों ऐसे बना कर इसमें पानी भर दिया भी और अच्छे से मिट्टी गीली हो जाएगी। तो दोस्तों आस्था भी स्कूल से आ गई है, आस्था के पापा भी नहा के आ रहे हैं, मेरा भी नहाना धोना हो गया है। तो धूप में बिछा लेते हैं चटाई, जहाँ पे सूख गया है धूप के कारण वहाँ पे चटाई बिछा लेंगे, क्योंकि यहाँ थोड़ा आड़ग में ये जगह पड़ जाती है, बाहर की तरफ से इधर नहीं दिख पाता, इसलिए यहाँ पे बैठ कर खाना खाओ पियो लेटो चाहे जो भी करो मतलब बाहर की तरफ से नहीं दिखता है। तो यहाँ पे मैंने चटाई बिछा दी है और खाना परस दिया है, खा रहे हैं।
तो दोस्तों कैसा लगा आप सभी को आज का ब्लॉग? आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी ने खूब इंजॉय किया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, खूब खुश रहिए। नमस्कार दोस्तों।